बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं व्हाट इज क्लासिकल कार्बोकैटायन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिकल कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं हम, तो इसमें क्या डिफरेंस है। क्लासिकल कार्बोकैटायन जो नॉर्मल में जो कार्बोकैटायन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं क्लासिकल, और नॉन क्लासिकल जो थोड़ी सी हट करके उनकी डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर, और कौन से कार्बोकैटायन जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहला रहे हैं। तो पहले नॉर्मल वाले पहचान लेते हैं किस तरह के होते हैं, उसके बाद नॉन क्लासिकल के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल पहले देख लेते हैं। क्लासिकल कार्बोकैटायन आर दोज गेट स्टेबलाइज, जो स्टेबलाइज होते हैं बाय मूवमेंट ऑफ आइदर द लोन पेयर, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइदर द लोन पेयर जो कि कॉन्जुगेस जैसे ये कार्बोकैटायन है, और इसके एडजस्टमेंट में कॉन्जुगेशन में कैटायन सिंगल बोन्ड लोन पेयर, यहाँ पर इस तरह से काउंटिंग में क्या रहा है ये इसके कॉन्जुगेशन में, तो डबल बोन्ड के द्वारा स्टेबलाइज है नॉर्मली, इस तरह से जो है कैटायन स्टेबलाइज हो रहा है। तो कैसे हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन ही है, नॉर्मल वे में हम इस तरह से स्टेबलाइजेशन इनको करते ही हैं, ठीक है, स्टेबलाइज हो रहा है डी टू डिलोकलाइजेशन की वजह से। तो ये कैसा कैटायन है, क्लासिकल कार्बोकैटायन है, ये क्लासिकल कार्बोकैटायन है। तो इन्होंने बताया क्लासिकल आर दोज व्हिच गेट स्टेबलाइज बाय मूवमेंट ऑफ आइदर द लोन पेयर, या तो लोन पेयर से, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सी एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि कैटायन फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो सी एच बॉन्ड है, इसके द्वारा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेस नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, इस तरह से ये जितने ज़्यादा नंबर ऑफ नॉन बॉन्ड रेजोनेंस बनते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है, टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। तो या फिर जो क्लासिकल कार्बोकैटायन सी एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन द्वारा, यहाँ पर सी एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन द्वारा, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन द्वारा, जैसे कि एलाइल हो गया, एलाइल कार्बोकैटायन जो है कैटायन सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, कहने का मतलब ये, तो यहाँ पर जो है ये कैटायन की तरह गया, यहाँ आ गया, तो इसके डिलोकलाइजेशन से। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि क्लासिकल कार्बोकैटायन्स कहला रहे हैं, क्लासिकल कार्बोकैटायन। इन कॉन्जुगेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन टू फॉर्म ए न्यू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर जो क्लासिकल कार्बोकैटायन्स आर दोज विच गेट स्टेबलाइज, जो स्टेबलाइज होते हैं बाई मूवमेंट ऑफ आइदर द लोन पेयर, जैसे कि हमने लोन पेयर का एग्जाम्पल देखा, आइदर द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या फिर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और क्या है ये सारी चीज़ें, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन, सी एच सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे क्या है इन कंजुगेशन टू द पॉजिटिव चार्ज, सारे के सारे कंजुगेशन में वो कार्बोनेटेड टू फॉर्म ए न्यू पाई बॉन्ड, और नया पाई बॉन्ड वो फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह के सिंपल वे में जो स्टेबलाइजेशन है ये क्या कहला रहा है बच्चों, क्लासिकल कार्बोकैटायन जो हम सिंपल वे में देखते हैं। तो नॉन क्लासिकल क्या है उसके कुछ एग्जाम्पल्स, हमें क्लियर कट आइडिया होगा कि नॉन क्लासिकल किसे कह रहे हैं। इन सब केसेस, कुछ केसेस में द रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ नेबरिंग ग्रुप। तो हमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, पार्टिसिपेशन जो जैसा कि हमने एनजीपी में पढ़ा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में, कुछ की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम किसे नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन से दिखाते हैं, और दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज्ड कैटायन, जो क्या बना रहे होते हैं ब्रिज्ड कैटायन बना रहे होते हैं, विच आर कॉल्ड द नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। वो क्या कहलाते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहलाते हैं। कैसे कुछ कार्बोकैटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है हम किस तरह से कैन बी रिटन बाय पार्टिसिपेशन ऑफ नेबरिंग ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप के पड़ोसी की नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन से दिखा सकते हैं रेजोनेटिंग, और रिजल्ट हमें जो क्या दे रही है फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज्ड कैटायन विच आर कॉल्ड नॉन क्लासिकल। अगर नेबरिंग ग्रुप की पार्टिसिपेशन से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को लिख पा रहे हैं और उसकी स्टेबिलिटी दिखा पा रहे हैं, तो उस तरह के जो कार्बोकैटायन है बच्चों कैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम इस कार्बोकैटायन में बेंजीन है, ये कार्बोकैटायन है बच्चों, तो ये नेबरिंग ग्रुप जो है बेंजीन है, तो इसके पार्टिसिपेशन से डबल बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में नहीं है, देखो कैटायन कैटायन है सिंगल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब इस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं है। ये तो क्लासिकल था जिसमें एलाइल का सीधा सीधा डिलोकलाइजेशन था, ये तो क्लासिकल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम दिखाते हैं, लेकिन इस कैटायन का स्टेबलाइजेशन ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप है, इस डबल बॉन्ड की वजह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं, ब्रिज बनाए यहाँ पर और द ब्रेकआउट हुआ, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम दिखा पा रहे हैं यहाँ पर। तो ये है किसकी वजह से बच्चों, नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन की वजह से, इसलिए ये कार्बोकैटायन जो है इसका स्टेबलाइजेशन, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन से, इसलिए ये क्या कहला रहा है बच्चों नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है, नॉन क्लासिकल कल कार्बोकैटायन में ये बच्चों आ रहा है। चोर एग्जाम्पल्स देखते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की, एलाइल वाला जो है सीधा सीधा बच्चों एलाइल में तो हम क्लासिकल है सिंपल वे में दिखा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों नॉन क्लासिकल, नॉन बोरेनाइल कैटायन,
इट इज नॉन क्लासिकल कैटायन स्टेबलाइज्ड बाय सीसी सिग्मा बॉन्ड। तो इसका स्टेबलाइजेशन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं बच्चों, जैसे कि हमने एनजीपीएम में देखा, ये सिग्मा बॉन्ड इस कैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह से बना रहे हैं, एक बार यहाँ पर तो एक बार यहाँ पर, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ये डबल बॉन्ड थ्री कार्बन से जो लगा बॉन्ड है वो टू पर भी अटैच है और वन पर भी अटैच है। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस बॉन्ड के एनजीपी की वजह से, इस बॉन्ड के एनजीपी की वजह से, नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन की वजह से। तो इसलिए नोर बोनेलाइट कैटायन कैसा है बच्चों, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में आ रहा है। ऐसे ही बच्चों हम दिखा रहे हैं नेक्स्ट साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन में भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसका डिलोकलाइजेशन है। सिग्मा बॉन्ड एक बार यहाँ, तो कैटायन जो पोजीशन है बच्चों सेकेंड कार्बन पर है, और एक बार क्या डिलोकलाइजेशन हो रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इसका स्टेबलाइजेशन है। इस तरह से एक बार इस तरह से कर रहे हैं, रिंग एक्सटेंशन है, या फिर हम दिखा सकते हैं फिर सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन इस तरह से। तो ये भी कार्बोकैटायन क्या कहला रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्योंकि इसका नॉर्मल वे में स्टेबलाइजेशन नहीं है, बल्कि सिग्मा बॉन्ड नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन जो 2-3 का बॉन्ड है उसकी वजह से इसका स्टेबलाइजेशन है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से दिखा पा रहे हैं हम। नॉन बोरिनाइल नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, नॉन क्लासिकल नॉन बोरिनाइल कैटायन है। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में नहीं है डबल बॉन्ड के, लेकिन इसका स्टेबलाइजेशन जैसा कि एनजीपी में हमने देखा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से इसका स्टेबलाइजेशन हो रहा है, जिसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी बच्चों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना हुआ है, तो डबल बॉन्ड इधर से है, तो ये वाला स्टेबलाइजेशन हम इसका इधर से दिखा सकते हैं। एक ही बात है, कोई इक्विवेलेंट है, मतलब यहाँ का जो है इस तरह से रेजोनेंस इस तरह से ना दिखा करके। ऐसे बच्चों हमने यहाँ पर 2-फिनाइलिथाइल कार्बोकैटायन का तो देखा ही, तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स थे नॉन क्लासिकल के, नॉर्मल वे में ना होकर के एनजीपी नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन की वजह से कैटायन का स्टेबलाइजेशन हो रहा है, उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नेबरिंग ग्रुप की वजह से दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि बेंजीन रिंग नेबरिंग ग्रुप की तरह कैटायन को स्टेबलाइज कर रहा है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ऐसी पाई बॉन्ड यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप की वजह से इस कैटायन को स्टेबलाइज करा, तो ये भी कैटेगरी क्या हो गई बच्चों, नॉन बोरिनाइल कैटायन की, ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन में आया। या फिर साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो कैटायन्स को स्टेबलाइज करती है वो भी नॉर्मल वे में नहीं करती, सिग्मा बॉन्ड के पार्टिसिपेशन की वजह से वो स्टेबल हो रहा है, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिंग एक्सटेंशन और डबल बॉन्ड का ब्रेकेज करके दिखाना है। तो ये भी कैटायन क्या हो गया, नॉन क्लासिकल का एग्जाम्पल बच्चों हो गया। तो नॉन क्लासिकल, क्लासिकल में सिंपल वे में हमने क्लासिकल में ही, वो तो कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइजेशन, या किसी हेट्रो एटम में वो एडजेसेंट के कार्बन पर होता है तो उसकी वजह से स्टेबलाइजेशन है, या फिर जैसा कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइजेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से नॉर्मल में, इनसे हट करके एनजीपी की वजह से जो स्टेबलाइजेशन होता है। इन सम केसेस द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी रिटेन बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ नेबरिंग ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन से कार्बोकैटायन के स्टेबलाइज, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज कैटायन विच आर कॉल्ड द नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। वो क्या कहलाते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कहलाते हैं। तो बच्चों इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हमने नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन्स के देखे, जो एनजीपी की वजह से उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पा रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन कह रहे हैं। उसकी वजह से भी कार्बोकैटायन क्या हो जाता है, काफ़ी स्टेबल हो जाता है। थैंक यू।